यस स्टार्टेड। सो बेटा हम पोएम हमने सारी डिस्कस कर ली राइट। नाउ देयर आर सम वर्ड्स ओके, यू मस्ट लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ दोज वर्ड सो दैट व्हेनेवर यू डू द क्वेश्चन आंसर्स, जब आप क्वेश्चन आंसर्स करोगे आपको उसमें प्रॉब्लम ना आए। सो रमन मैम आई एम गोइंग टू राइट द वर्ड्स ऑन द बोर्ड, सो जस्ट लेट मी नो वेदर दे आर विजिबल और नॉट। सो बेटा फर्स्ट वर्ड इज House. Raman ma'am, is it visible? Is the word visible? Yes, ma'am. 1 o'clock. Word house is visible or not, ma'am? Okay. Okay, ma'am. Yes. And what are the spellings? Spelling. Yes, ma'am. आपने क्या लर्न करना है? इफ यू हैव नो, इफ यू पीपल आर हैविंग योर नोटबुक्स यू कैन ऑल्सो राइट साइड बाई साइड, आप लिख भी सकते हो ताकि आपको अभी के अभी लर्न हो जाए मैम के साथ साथ। हैप्पी। नेक्स्ट वर्ड इज चाइल्ड, सी एच आई एल डी चाइल्ड। हैप्पी मीन्स खुश, चाइल्ड मीन्स बच्चा। आप सब क्या हो? यू ऑल आर चिल्ड्रन ओके। Yes, who wants to say something? No one? Okay. Next word is laugh. L-A-U-G-H. Laugh. Laugh means hasna. Okay, do one thing. Sab bachche muted hai na? Muted ho na? Sab bachche ma'am ko laugh karke dikhao. Kaise laugh karte hain? Do the action of laughing. अनम्यूट नहीं होना, अनम्यूट हुआ ना मैम उसको म्यूट कर देंगे। नो यू जस्ट हैव टू डू द एक्शन ऑफ लाफिंग, आपने सिर्फ लाफिंग का एक्शन करना है राइट। मोर सिंह बहुत अच्छा कर रहा है ना राइट, वेरी गुड लाफ। खेलना, जो आप सारा दिन करते ही हो गया आजकल है ना, स्कूल तो आना नहीं पड़ता है ना, सारा दिन क्या करते हो? खेलते हो, प्ले करते हो। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज, दिस वर्ड इज न्यू फॉर यू है ना, बाकी वर्ड तो आपने पहले भी सुने हुए हैं बट ये वर्ड आपने आई हो कि आपने आज ही सुना होगा, होल। होल मीन्स सारा दिन, होल मीन्स सारा दिन। ये ना कुछ बच्चे बहुत नॉटी हैं, वो मैम की स्क्रीन को स्पॉइल कर रहे हैं ठीक है, एंड इट्स नॉट गुड। मैम को सब पता चल रहा है कौन सा बच्चा कर रहा है, और आफ्टर 2-3 डेज ना मैम ने उसका नेम अनाउंस करना स्टार्ट कर दिया ना क्लास में, फिर उसको अच्छा नहीं लगेगा कि उसका नेम मैम अनाउंस कर रहे हैं क्लास में ठीक है। आपने बेटा कुछ भी स्क्रिबलिंग नहीं करनी स्क्रीन के ऊपर। मैडम आ रही है, ये कुछ बता रही है। एक जो आपका कंबाइन वर्ड आया था ना, होल डे लॉन्ग, ये कंबाइन था। होल मींस सारा, डे मींस दिन, जो अभी क्या है डे टाइम है ठीक है, अभी क्या है डे टाइम है। अगर आप बाहर निकलते हो जब आपको मतलब सन नजर आता है तो हम क्या कहते हैं, अभी क्या है डे टाइम है राइट। नेक्स्ट वर्ड इज हार्डली, मे बी आपने शायद पहले नहीं सुना होगा वर्ड। इज दिस वर्ड विजिबल टू यू? हार्डली, हार्डली का मीनिंग मैम ने बताया था, कौन से बच्चे ने सुना? हैंड रेज करो जिसने भी सुना मैम का ये वर्ड हार्डली, रेज योर हैंड्स।
जिसको मैं वेरी गुड यश दुग्गल, यश दुग्गल बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्डली? यस यश दुग्गल, व्हाट इज द टाइम ऑफ हार्डली बेटा? यस बड़ी मुश्किल से। नो यहाँ पे तो ये मीनिंग बहुत मेहनत करना। मैम अचानक यहाँ पे वेरी रेयर, कभी कभार। क्राई मीन्स रोना। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीन। ग्रीन का मीनिंग सबको पता है, इट्स द नेम ऑफ अ कलर। ग्रीन इज द नेम ऑफ अ कलर, रेड इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ कलर। एक रेड वर्ड भी है। देयर आर टू कलर्स, नेम ऑफ टू कलर्स इन दिस पोएम। Yes, ma'am. Next new word for you is shade. S-H-A-D-E, shade. Ma'am, ये words board पे इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको reading करनी आ जाए. So that in the evening when you people will read the poem, आप जब poem read करोगे आपको कोई problem ना आए. Okay? So the next word is shade. Shade means छाया। जैसे पेड़ जो हमें है वो छाया देते हैं ना, शेड देते हैं। अगर हम बाहर निकलते हैं धूप होती है तो अगर हम ट्री के नीचे खड़े हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? शेड मिलेगी। राइट। अंडर, अंडर मींस नीचे। जैसे अंडर द ट्री, ट्री के नीचे। ऑफ्टन मैंने क्या बताया था, किसी बच्चे ने इस वर्ड को ऑफ्टन नहीं बोलना। किसी भी बच्चे ने इस वर्ड को ऑफ्टन नहीं बोलना, ऑफ्टन बोलना है। टी इज साइलेंट हियर। मोनिका मैम। यस रमन मैम। लास्ट टू वर्ड्स आर नॉट विजिबल, आप अपनी ना लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी टिल्ट कर लो। इज इट विजिबल नाउ? नो नो, मैंने मैम वहीं पे लिखा था जहां पे प्रीवियस वर्क हुआ था ना, इसीलिए नाउ चेक। मैम आप ना लैपटॉप की कैमरा की सेटिंग करो थोड़ी, बस नाउ इट्स ओके। मैम लैपटॉप विजिबल नहीं है, टीचर से। तो बेटा आपने अब क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू टुडे, आपने इस पोएम को अच्छे से रीड करना है। राइट, यू शुड ट्राई टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड। आपको सारे वर्ड्स पढ़ने आने चाहिए। ओके, एंड ट्राई करना कि आपको स्पेलिंग्स भी साथ साथ में लर्न हो जाए। तो आप जब क्वेश्चन आंसर्स करोगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। एंड टुमारो वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम, है ना? हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इस पोएम के। मैम ने आज आपको हिंदी में पूछे थे ना क्वेश्चन, राइट? कल मैम आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन आंसर्स। अब आपका ये इंग्लिश सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन आंसर्स किस में होंगे? इंग्लिश में होंगे। राइट, ठीक है। सो बी रेडी विद योर नोटबुक्स। कल आपने ना अपनी नोटबुक्स साथ में लेके बैठना है। ओके ओके, ताकि आपकी थोड़ी साथ में रिटन प्रैक्टिस भी हो जाए। राइट, सो बेटा दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ इफ यू पीपल हैव एनी क्वेरी You can ask. आप मैम से पूछ सकते हो कि मैम मुझे